नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट करना होता है और डिपॉजिट करने के कुछ समय बाद वो पैसा हमें ब्याज सहित मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से एक लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सभी योजनाओं के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सी वे योजनाएं हैं जिसमें सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन को दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैं कोई नई वीडियो डालूं आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर योजना आती है उसका नाम है किसान विकास पत्र। दोस्तों यह है एक वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत हमें सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों अगर इस योजना के तहत हम निवेश के बारे में बात करें तो इस योजना में हम मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम आप जहाँ तक चाहें इसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है। अगर दोस्तों इस योजना के ब्याज दर के बारे में बात करें तो हम इसमें 7.3 का हमें वार्षिक ब्याज दर हमें इसमें मिलता है। अब दोस्तों कि इस योजना का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कोई फिक्स नहीं है, यानी कि जब हमारा जो पैसा है वो डबल हो जाता है वही हमारा मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, और इस पैसे को डबल होने में लगभग 9 वर्ष 10 महीने का समय लग जाता है। 9 वर्ष 10 महीने पूरे होने के पश्चात हमें सारा पैसा वापसी दे दिया जाता है। तो दोस्तों अब अगली तरफ योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। दोस्तों यह भी एक वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है। इस योजना के तहत भी हम सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट हमें करना होता है, मगर दोस्तों यह योजना जो है 60 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति के लिए बनाई गई है। इस दोस्तों में अगर निवेश की राशि के हम बारे में बात करें, इस योजना में हम न्यूनतम 1,000 रुपये जिसे हम अधिकतम बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक कर सकते हैं। इस योजना के तहत हम 15 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं कर सकते, और दोस्तों जो इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 8.3 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और जो इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पश्चात हमें पूरा पैसा ब्याज सहित दे दिया जाता है। दोस्तों इस योजना के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर इस योजना के बारे में पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर योजना आती है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र योजना के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत भी हम एक बार पैसे का डिपॉजिट करना होता है। दोस्तों इस योजना के तहत हम मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम आप जितना चाहे वहां तक का निवेश इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट इसमें नहीं दी गई है। दोस्तों इस योजना के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो इसमें 7.6 का वार्षिक इंटरेस्ट रेट हमें मिल जाता है। अब दोस्तों इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में अगर बात करें तो इस योजना की समय अवधि जो होती है वो 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात हमें पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाता है। अब दोस्तों अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो योजना आती है वो है फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट भी वन टाइम डिपॉजिट स्कीम है। इस योजना के तहत भी हमें सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट करना होता है। अगर दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो न्यूनतम इसमें 200 रुपये से निवेश कर सकते हैं, जिससे हम 200 के गुणांकों में जहां तक मर्जी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई अधिकतम लिमिट इसकी नहीं होती है। अगर दोस्तों हम इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में बात करें तो इसमें 5 वर्ष का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, जिस पर हमें 7.4 ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता रहता है, वो 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात पूरा पैसा हमें ब्याज सहित दे दिया जाता है। अगर दोस्तों यही एफडी हम किसी अन्य बैंक में करते हैं तो वहां पर जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 वर्ष हो जाता है, परंतु दोस्तों कुछ इंटरेस्ट रेट में कमी आ जाती है। दोस्तों मैंने फिक्स डिपॉजिट की सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जान चुके होंगे कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सिर्फ एक बार ही पैसे का डिपॉजिट करना होता है और समय अवधि पूरे होने के पश्चात पूरा पैसा ब्याज सहित हमें मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सी योजना आपको सबसे अच्छी लगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कोई भी सलाह या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।